यदि आपके साथ भी ऐसा हो जाता है कि मावा फट जाता है या मावे में हल्का सा खटास आ जाता है तो उसकी नॉर्मल बर्फियाँ बननी मुश्किल हो जाती है। तो चलिए आज हम फटे मावे की बर्फियाँ बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के जितनी चीनी ले ली है, और यानी कि मैंने यहाँ पर 1.5 कप चीनी ली है और 1/2 कप यहाँ पर पानी डाल लिया है। अब गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम करते हुए इसकी एक बढ़िया चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो बर्फियाँ जब भी हम बनाते हैं तो नॉर्मल चाशनी बनाते हैं लगभग एक तार वाली, लेकिन आज जो ये मावा है वो फट चुका है, इसमें हल्का सा खटास भी आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत बढ़िया तार वाली चाशनी बनाई है, 2-3 तार वाली चाशनी बनाई है। तो ये मेरे पास 250 ग्राम के जितना मावा था, और मैंने इस टाइम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। और मावा डालने के बाद हमें क्या करना होगा, इसकी घुटाई करनी होगी जब तक ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो थोड़े से मैं यहाँ पर ड्राई नट डाल रही हूँ, यानी कि थोड़े से मैं बादाम डाल रही हूँ काट के। तो इसकी घुटाई करते करते लगभग मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, और मैंने यहाँ पर गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है। तो जब हम इसकी घुटाई करते हैं तो इसका कलर हल्का सा डार्क हो जाता है, लेकिन आप घबराइए नहीं, इसका कलर ही केवल डार्क होगा, खाने में कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी टेस्ट में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। ये बर्फिया खाने में बहुत टेस्टी लगती है। एक बार मैंने इसको बीच में चेक कर लिया है तो इसकी अच्छे से गोली बन रही है, इसका मतलब ये है कि बर्फिया जमने के लिए तैयार है। अब हम बर्फिया जमाने के लिए एक बर्तन सेट कर लेते हैं घी से ग्रीस करके। तो यहाँ पे मैंने इस मोल्ड को घी से ग्रीस करके सेट कर लिया है, और जो हमारा ये मिश्रण तैयार हुआ है इसको इसमें पलट देते हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा आप सेफ्टी से डालें, और इसको हम इवन कर देते हैं अच्छे से। अब ये जो मिश्रण है बहुत जल्दी से जम जाएगा, ये जमने में ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है, बस 10 मिनट में ये बर्फी आपके तैयार हो जाने वाली है। थोड़े से बादाम मैंने ऊपर से भी डाल दिए हैं ताकि ये बर्फियों पे अच्छे से सेट हो सके, और इनको हम हल्का हल्का सा दबा देते हैं। तो इनको भी मैंने दबा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको बस 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है। 15 से 20 मिनट में ये बर्फी हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो मैं 15-20 मिनट के बाद देख रही हूँ, तो बर्फी हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसमें कट लगा लेते हैं। तो कट आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे आप इसमें कट लगाना चाहो, स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर डायमंड शेप के, जैसे भी आप बर्फी बनाना चाहते हो। तो आपको इसमें कट थोड़े से गर्म गर्म में लगाने होंगे, नहीं तो बाद में आप इसमें कट नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें कट लगा लिए हैं, और अब मैं आपको ये बर्फी उठा के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल रही है, ये देखिए बिल्कुल भी ये नीचे जो है प्लेट ट्रे पे चिपकी नहीं है, और ये पीस मैंने निकाल के आपको दिखाया है, बहुत ही बढ़िया सेट हुई है हमारी बर्फियाँ। और अब मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ, टेक्सचर देखिए, अंदर से इसका टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाए। तो ये लीजिए हमारी फटे मावे से यानी कि ख़राब मावे से बर्फियाँ बन के तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों कभी आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस ट्रिक से बर्फियाँ बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।